गोंडा जिले में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में 6 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सरकार से 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज सहित अधिवक्ताओं और पत्रकारों की मृत्यु पर एक समान धनराशि की मांग की। इसके अलावा अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने और अधिवक्ता के लिए चैम्बर निर्माण की मांग रखी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आज 7 फरवरी का आह्वान था। 6 मुद्दों को लेकर के हमने यह अपना विरोध प्रदर्शन किया है। पहली मांग तो हमारी यह है कि अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएं। दूसरी हमारी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तीसरी मांग है समाज के दो सबसे सजग प्रहरी हैं, एक अधिवक्ता और दूसरा पत्रकार, दोनों को किसी भी कैजुअल्टी पे समान धनराशि प्रदान की जाए। और एक मांग है अधिवक्ता चैम्बर की कि अधिवक्ता चैम्बर, क्योंकि हम लोग के लिए बैठने के लिए बहुत समस्याएं हैं, हमारा संख्या बल बढ़ रहा है, इसलिए सरकार हमारी लोग बैठने के लिए व्यवस्था करे, अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण करावे। इसके अलावा एक मांग ये है कि 60 वर्ष से जो अधिक आयु के अधिवक्ता हो गए हैं उनको पेंशन प्रदान किया।